हरियाणा में करीब 2 लाख प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड की हैं, जिन पर किराएदार पिछले करीब 50 साल से बैठे हैं और अपना रोजगार चला रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने एक नया कानून बिट बनाया है और सभी किराएदारों को उसका पालन करने के लिए वक्फ बोर्ड के किराएदारों को नोटिस दिया है, लेकिन किराएदार इस कानून को मानने से इनकार करने लगे हैं। आज पानीपत में प्रदेश भर से पानीपत वक्फ किराएदार एसोसिएशन के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और सरकार के प्रति रोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर वह जमीन खाली नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने मांग की है कि सरकार इस जमीन को उनके नाम करवाकर उन्हें मलकियाना हक दिलवाए। इसके लिए पानीपत वक्फ बोर्ड किराएदार एसोसिएशन ने सरकार के नाम एक ज्ञापन भी पानीपत उपायुक्त को सौंपा। हम आज सब लोग इसलिए इकट्ठे हुए थे कि वक्फ के इस कानून को रद्द किया जाए। गरीब कॉलोनियों में जो हर सरकार, चाहे कांग्रेस सरकार हो, भाजपा सरकार हो, बार बार बात करती है कि गरीबों को 100 गज के प्लाट देंगे। हम आपसे 100 गज के प्लाट नहीं मांग रहे। वक्फ के लोग ये मांग रहे हैं कि जिस जगह पर हमने अपना खून पसीना लगाकर ये बिल्डिंगें खड़ी की हैं, यही बिल्डिंगें, इन्हीं बिल्डिंगों पर जिनमें हम 50-50 सालों से रह रहे हैं, हमें मालिकाना हक दिया जाए और गरीब लोगों को फ्री में ये हक दिया जाए। अगर वक्फ को कोई पैसा देना है तो वो सरकार दे। और व्यापारी वर्ग जब से इस पर बैठा है, जिस समय बैठा था उस समय का जो कलेक्टर रेट है, वो कलेक्टर रेट व्यापारी वर्ग देने को तैयार है। यहाँ पर सभी पार्षदों ने, दुकानदार भाइयों ने ज्ञापन दिया है ताकि वक्फ बोर्ड की जो काला कानून पास किया गया है उसको रद्द किया जा सके। और मैंने पूरा आश्वासन दिया है उनको कि उनके बिहाफ में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी और डेफिनेटली उनके हक की आवाज ऊपर तक पहुँचाऊंगी। और उनको पानीपत से अजार टीवी न्यूज के लिए सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।